अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। राजा काका आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा इनका सामान वापस रखो। अरे अमृता वही रुक जा। रात की पहली पत्नी मैं हूँ, तो ना तुम्हारे इस घर से कोई रिश्ता है ना विराट से, तो अभी के अभी अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ। सामान किसका? ये मेरी पत्नी है, कौन सा सपना देख रही है? बैग। हाँ? ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? हाँ? क्या हो क्या रहा है ये सब? मैंने क्या किया? आपने क्या किया सीरियसली? अब आप अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते। लगता है दिलदार सर को अभी तक समझ नहीं आया कि हमारा प्लान क्या है, कि हम उनका नाम लेके कहेंगे कि दिलदार सर ने मुझे और आई को यहाँ रहने के लिए कहा है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आप ऐसे बात नहीं कर सकते मेरे ससुर जी से। क्या किया इन्होंने? हमारी मदद ही तो की है ना? वो सोसाइटी के लोग जहान आंटी के घर में हमारा जीना मुश्किल कर रहे थे, इसीलिए आपने कहा कि मैं और आई यहाँ आके टेरेस में रहने लगे। हाँ, है ना? ओह गॉड, इस लड़की को इस शहर से निकालने की तैयारी कर रही थी मैं, पर ये दोबारा मेरे सर पर आके बैठने की तैयारी कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिलदार जी, आप चुप क्यों है? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? रिलैक्स मम्मी जी, मुझे पता है ये लड़की झूठ बोल रही है, पर पापा जी इसे क्यों बोलेंगे यहाँ पे रुकने के लिए? क्योंकि तेरी सास। कौन सी सास? कोई सास वास नहीं है इसकी। भूतपूर्व सास। एक्स सास। हाँ हाँ, वही जो अब अमू की सास है। इन्होंने हमारा दिल बहुत दुखाया, कभी महिला मोर्चा लेकर आती है तो कभी जहान के घर के बाहर कूड़ा कचरा फेंकवाती है, तो अब तुम ही बताओ हम वहाँ कैसे रहेंगे? इसलिए हमने सोचा हम यहाँ टेरेस पे आके रहेंगे, पहले भी रह चुके हैं, पूछो ना इनसे। तो जब भी सोसाइटी में किसको प्रॉब्लम आती है तो वो इस टेरेस का इस्तेमाल कर सकता है, समझे तुम? चलो अमू, और मैं देखती हूँ हमें कौन रोकता है। मुझे लगा था अमृता इस बिल्डिंग से विराट की जिंदगी से जा रही है, पर ये तो विराट के और करीब आ गई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।